2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने वाला है। इसको देखते हुए सभी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। अब देखना ये होगा समाजवादी पार्टी की क्या कुछ अलग तैयारियां हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्या जी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। सर 2024 का चुनाव है, किस किस तैयारियां रहेंगी, पार्टी की क्या कुछ अलग तैयारियां रहेंगी? सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तौर तरीके से अपनी चुनाव की तैयारियां करते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं। और चूंकि वैसे भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम है। यद्यपि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी विपक्षी पार्टियों को एक करने के लिए अभियान में लगे हुए हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम इस 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन के आएँ, सबसे ज़्यादा सीट जीतें। समाजवादी पार्टी या हमारे गठबंधन सहयोगी साथी अधिक अधिक सीट जीत करके केंद्र से भाजपा की विदाई का रास्ता प्रशस्त करें, ये हमारा पूरा प्रयास होगा। सर कई नेता हैं जो बड़े बड़े नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं मौजूदा सरकार में, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये खुल्लम खुल्ला इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश और देश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून और पुलिस का हनक खत्म हो चुका है, गुंडे माफिया अपराधी सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। यहां तक कि 100-200 पुलिस कर्मियों के बीच में पुलिस हिरासत में अपराधियों को बाहर के गुंडे माफिया अपराधी दे दनादन गोली चला करके मौत की घाट उतार रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बेबसी उत्तर प्रदेश की पुलिस की क्या हो सकती है? और 100-200 पुलिस की मौजूदगी में गोली चले, गोली चलाने वाले पर एक भी फायरिंग न हो, तो इसका मतलब है पुलिस मूक दर्शक है, गुंडे माफिया अपराधियों का अखलाक है, कानून का हनक गायब है, पुलिस की हनक भी खत्म है। इससे बदतर कानून व्यवस्था कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं थी जो आज है। सर एक आखिरी सवाल है, लगातार मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं लखनऊ को स्वच्छ बनाने के, और लगातार जो रोड, अभी पानी बरसात शुरू नहीं हुई, लगातार रोडों पे जाम लगता है और जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, लोग बीमार होते हैं, कूड़ा कचड़ा पड़ा रहता है, इसमें आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, कुल मिलाकर के सरकार लंबी चौड़ी हवा हवाई वायदे मशगूल रहे, जमीनी विकास के काम से बहुत दूर है, और यही कारण है कि पहली ही बरसात में इनका सारा का सारा क्रियाकलाप जनता के बीच में आ गया। बड़े पैमाने पर जल भराव है, गड्ढे हैं, सड़कें टूट गईं, धंस गईं, जबकि अभी तो शुरुआत हुई है। तो आज भाजपा सरकार अपने आप बाबाही लूटती है, अपने आप पीठ थपथपाती है, लेकिन विकास कार्यों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, हम समझते हैं इससे बड़ा जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग कहीं और संभव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्या जी थे। इन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और 2024 में चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की जीत के लिए राय दी है। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ ऑल इंडिया के लिए नदीम खान।